ये देख रहे हैं आप, ये RS555 मोटर है जो कि मैं लोकल मार्केट से खरीदा था। लोकल मोटर ही है ये, इसमें उतना पावर नहीं रहता जितना ओरिजिनल में रहता है RS555 के। इसमें भी ये बहुत अच्छी हवा दे रही है, देख सकते हैं आप। तो मैं इसी प्रोपेलर को आपको अभी बना के दिखाऊंगा। ये जो प्रोपेलर है, ये अगर आप अच्छा मोटर यूज करेंगे, इससे बेहतर मोटर, तो फिर ये और भी ज़्यादा हवा देगा। और ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, वोल्टेज भी अगर ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा हवा देगा। बाकी मैं अभी 12 वोल्ट का पावर सप्लाई से चला रहा हूँ इसको, और देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा हवा दे रहा है इसको। मैं अभी पर्दे पर दिखा रहा हूँ हवा को, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल जीरो बजट में अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सामग्री मेरे ख्याल से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बढ़िया से देख लीजिए एक बार कितना हवा दे रहा है। अगर आपके लिए यूजफुल हो तो फिर पूरा वीडियो देख लीजिए, ये प्रोपेलर मेकिंग की। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम भूपेंद्र पटेल, स्वागत है आपका भूपेंद्र इलेक्ट्रिकल एंड एक्सपेरिमेंट चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये जो टिन है इसकी सहायता से एक प्रोपेलर बना के दिखाऊंगा, जो हमारे 12 वोल्ट का फैन है इसके लिए काम आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले हमें इसको कट करना है 6 सेंटीमीटर का चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर का लंबाई, ठीक है? तो इसकी इस प्रकार नाप से काट लेना है आपको। फ्रेंड्स, ये जो तरीका है बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए अंत तक। फ्रेंड्स, अब हमको ये जो टिन दिख रहा है इसका हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालने के फ्रेंड्स हम इसकी जो चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, इसके आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर यानी कि बीचों बीच चिन्ह करेंगे कुछ इस प्रकार। ये देखिए कुछ इस प्रकार से चिन्ह करना है दोनों साइड में। ये चिन्ह करने के बाद जो है हमको इन दोनों चिन्हों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है ठीक बीचों बीच, ठीक है? कुछ इस प्रकार खींचनी है। इसके बाद इसकी लंबाई जो है इसके ठीक बीचों बीच, यानी कि ये 16 सेंटीमीटर का है यानी कि 8 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक बीच यानी कि 8 सेंटीमीटर पर हमको एक चिन्ह करना है। और इस चिन्ह को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है कुछ इस प्रकार ठीक बीचों बीच। इससे जो है हमारा सेंटर निकल आएगा, देखिए ये है हमारा सेंटर। अब हम ये जो सेंटर निकाले हैं इसके ठीक अगल बगल एक एक सेंटीमीटर में चिन्ह करना है, कुछ इस प्रकार चिन्ह करना है। चिन्ह करने के बाद जो है जिस प्रकार हम सेंटर लाइन खींचे उसी प्रकार चिन्हों को मिलाते हुए कुछ इस प्रकार लाइन खींचना है दोनों चिन्हों को मिलाते हुए। ये देखिए कुछ इस प्रकार। अब हमको जो है मैं जिस पे निशान कर रहा हूँ उस हिस्से को काट के निकाल देना है कैंची की सहायता से, ठीक है? कैंची से आसानी से कट जाता है ये तीन है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको भी कट कर लेना है। फ्रेंड, ये जो टिन है ये आसानी से मिल जाता है इसलिए मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ, नहीं तो और भी रास्ते थे जैसे पाइप वगैरह, लेकिन ये जो पाइप है ये सब हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता और थोड़े महंगे होते हैं ये, तो मैं इसलिए टिन का उपयोग करूँगा। ये जो है आसानी से मिल जाता है घर में भी, या फिर नहीं मिलता है तब ये मार्केट में आसानी से कम रेट में मिल जाता है, तो इसलिए मैं टिन का उपयोग कर रहा हूँ जिससे कम लागत में ये तैयार हो सके। ये देखिए मैंने इसको कुछ इस प्रकार से कट कर लिया है, जो कोने कोने इनको आप फिनिशिंग दे देना। चलिए अब हम इसके जो सेंटर है इस पर हम क्या बोलते हैं छेद करते हैं। इसको छेद करने के लिए मैं सिंपली कील का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए छेद हो गया। अब इस छेद को हमें जो है बड़ा करना पड़ेगा जिससे ये स्क्रू इसके अंदर घुस सके। मैं इस छेद को बड़ा करने के लिए पोकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमारे ये जो पेचकस बॉक्स में रहता है। देखिए छेद जो है बड़ा हो गया है, अब इसमें स्क्रू भी अंदर आ जाएगा। अब हमको ये प्लास्टिक वाला पेन चाहिए, लिखो फेंको पुराना वाला जिसमें स्याही ना हो। अब हमें जो पेन है इसकी होल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा जिससे ये मोटर के शाफ्ट में फिक्स हो पाए। तो इसके लिए हम जो है मोटर को चालू करेंगे और पेन को थोड़ा सा प्रेशर देते रहेंगे इस मोटर की तरफ जिससे होल जो है बड़ा हो जाएगा। जितना अंदर मोटर का शाफ्ट इस पेन में घुसा है उससे थोड़ा 1 सेंटीमीटर लगभग छोड़ते हुए इस पेन को काट लेंगे। अब इस पेन के टुकड़े के दूसरे साइड के होल को भी बड़ा करना है जिससे इसमें स्क्रू टाइट हो सके। तो इसको ऑन करके फिर से उसी प्रक्रिया से इसके दूसरे साइड के होल को भी बड़ा कर लेना है आपको। अब पेन के टुकड़े के छोटे से हिस्से के होल को थोड़ा सा बड़ा फिर से करेंगे और उसको काट के हम स्क्रू में वाशर के रूप में टाइट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए प्लायर की सहायता से इसको पकड़ कर टाइट कर देना है। ये जो स्क्रू है इसको पंखे के बीचों बीच जो होल किए थे उसके अंदर घुसाना है। अब उसके बाद इस स्क्रू को इस पेन के टुकड़े में टाइट कर देना है, एकदम फुल टाइट करना है।
जिसको हमने मोटर में फिक्स करने के लिए बनाया है। अच्छे से टाइट कर देने इसको। इसके बाद इसको हम मोटर के शाफ्ट में फिक्स कर देंगे। मान लीजिए मोटर के शाफ्ट में ये ढीला पड़ रहा हो तो फिर आप हेवी क्विक या फिर किसी भी प्रकार का ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको चला कर देख लेते हैं, बढ़िया चल रही है। इसके बाद इसके पंखों को हम मोड़ लेंगे जिससे ये हवा को आगे की ओर फेंक सके। इसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे, जैसे मैं मोड़ रहा हूँ उसको वैसे मोड़ लीजिएगा आप। चलिए अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए काफ़ी अच्छा हवा दे रहा है। मैंने इसको पर्दे पर इसका हवा का प्रेशर देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा दे रही है। इतना हवा दे रहा है जितना एक टेबल फैन देता है। तो फ्रेंड अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।